हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ डॉक्टर वर्षा जोथवानी फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी फ्रॉम सीएसआईटी डिपार्टमेंट. सो नाउ आवर टॉपिक इज पीएचपी इफिल्स. इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द डेटा टाइप्स, वी स्टडीड अबाउट द वेरिएबल स्कोप. नाउ टुडेज क्लास इज बेसिकली डील्स विद द इफिल्स कंडीशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. PHP if else statement is used to test the conditions. PHP में जो if else statement है वो condition को test करने के लिए use होता है. So it is categorized into four condition, that is simple if statement, if else statement, if else if and nested if. So let's begin with the if statement. Or if condition. So talking about the PHP if condition, its statements allow a conditional execution of a code. It is executed if condition is true. ये statement conditional execution code को allow करता है और ये तब allow करता है यदि उसे condition true लगती है. जैसे कि अगर हम उसको syntax से समझते हैं, syntax में हमारा if condition ब्रैकेट पे दे रखा है और यहाँ पे आपका जो भी रहेगा कोड वो एग्जीक्यूट होगा. इसको डायग्राम के थ्रू अगर हम समझे तो वी कैन गेट इट बेटर. कंडीशन आपकी ये जो इफ कंडीशन का जो फ्लो चार्ट है उसमें आपका कंडीशन आई, आपके यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ कोड का ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. अगर कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स का तो है कि सीधे वो टर्मिनेट पे ही जाएगा, लेकिन इसमें कंडीशन का ट्रू होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ट्रू है तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. तो दिस इज द सिंपल इफ कंडीशन. सो लेट्स स्टडी एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस पीएचपी इफ. सो दिस इज द पीएचपी टैगलाइंस. सो डॉलर num is equals to 12. Num here it is a variable which I have already explained it to you people. Dollar num, that means for the variable, and we are assigning a number 12 to this variable. Now I am writing it writing here a condition. If dollar num is lesser than 100, that means 12 must be 100. So echo dollar num is less than 100. तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए डॉलर नम आपका लेस देन है 100 से. तो यहाँ पर अगर इसका आउटपुट देखेंगे, क्या ये कंडीशन ट्रू है, 12 वाकई में 100 से कम है? यस इट इज ट्रू. सो द echo dollar num is less than 100 will get printed over here. So 12 is lesser than 100. It will print this line. And that means the 12 dollar num, that means it will carry the number 12 from here and is lesser than 100. So this is how it is going to work in this way. Next is if else statement. It is executed whether condition is true or false. ये हमें बताता है कि condition हमारी true है या false है. यहाँ पे हमारी कंडीशन है इफ की, कंडीशन सिंटैक्स हमारा दे रखा हुआ है, इफ हमारा कंडीशन है. यहाँ पे आपका कोड टू भी एग्जीक्यूट होगा अगर आपका कंडीशन आपकी ट्रू है. अगर ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट में शिफ्ट होगा और कोड टू भी एग्जीक्यूटेड इफ फॉल्स. और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो कंडीशन ये प्रिंट होगी, ये आपका आउटपुट शो होगा. अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो इसको फ्लो चार्ट के थ्रू अगर हम समझे, कंडीशन आपकी यहाँ पे है, अगर ट्रू है तो वो प्रोसीड करेगा फर्दर इफ कोड पे और आगे टर्म आगे प्रोसीड करने के बाद फिर वो टर्मिनेट करेगा. लेकिन अगर कंडीशन यहीं पे आपकी फेल हो जाती है, ट्रू नहीं होती है, तो वो फॉल्स की तरफ प्रोसीड करेगा और एल्स कोड एग्जीक्यूट होगा और आगे वो टर्मिनेट होगा. लेट्स सी विद दिस एग्जांपल. ये मेरे डॉलर पीएचपी का टैग है
यहाँ पे मैंने डॉलर नम लिखा हुआ है, 12 इक्वल उसमें मैंने असाइन करके रखी है वैल्यू। यहाँ पे मैंने कंडीशन दे के रखी, ये हमारा सिंपल इवन ऑड का एग्जांपल है। इफ डॉलर नम इज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वल मतलब प्रिंट हो डॉलर नम इज इवन नंबर। एल्स अगर नहीं है डिवाइड करने पर, अगर ये डिवाइड में कुछ रिमाइंडर सेंड बचता है तो यहाँ पे नंबर इज ऑड नंबर प्रिंट हो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसकी कंडीशन ट्रू है बिकॉज 12 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड ओवर हेयर एंड वी विल गेट 0 एट द एंड। सो हेयर द दिस फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड दिस स्टेटमेंट विल नॉट गेट प्रिंटेड ओवर हेयर। सो वी विल गेट द आउटपुट नम इज इवन नंबर। Num that means the 12 is even number. Next, that is a statement of if else. If that is a third, it comes into the third category of if statements. That is a PHP if else. It is a special statement used to combine multiple if. Multiple if में को combine करते हैं if else के if else को कंबाइन करके वो मल्टीपल कंडीशन को वो अप्लाई करेगा और हम मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स है, अगर कंडीशन 1 है तो कंडीशन 2 भी एग्जीक्यूटेड तो कंडीशन 1 इज ट्रू। कंडीशन 1 एग्जीक्यूट हो अगर कंडीशन 1 सही है तो, अदरवाइज else if में हो जाए और कंडीशन 2 पे फॉरवर्ड हो जाए और वो कंडीशन चेक करे कि कंडीशन ट्रू है और नहीं तो else if की कंडीशन 3 पे। इस तरीके से सो ऑन हमारा कंडीशंस else पार्ट की तरह प्रोसीड होती जाएगी। ये इसका एग्जांपल है। यहाँ पे एग्जांपल सॉरी यहाँ पे इसका फ्लोचार्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपकी कंडीशन 1 है, अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1 होगा एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होती है तो कंडीशन 2 की तरफ जाएगा। कंडीशन 2 अगर सही है तो स्टेटमेंट 2, अगर ये भी कंडीशन 2 फॉल्स हो जाती है तो कंडीशन n की तरफ जाएगा। n में कंडीशन n की तरफ जाएगा, इस तरीके से हमारा स्टेटमेंट n प्रोसीड होगा। सो लेट्स चेक विद दिस एग्जांपल। हियर this is a PHP code. Here I'm assigning the value of a marks is equal to 69. If dollar marks is lesser than 33, then it will echo double quotes में मैंने fail लिख दिया। मतलब अगर condition मेरी true है तब तो ये print हो और नहीं है तो else if part में वो transfer हो जाए। तो here dollar marks is greater than equals to 34, double ampersand dollar marks is lesser than 50 और हमारा echo degrade आ जाए, print होगा। Next में else if dollar marks is greater than equals to 50 ampersand dollar marks is lesser than 65। हमने जो assign किया वो 69 assign किया हुआ है लेकिन अभी तक यहाँ पर सारी जो condition है fail होती आ रही है तो इनमें से कोई भी चीज हमारी प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट हमारी ये होगी जब डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 लिख देते एंड मार्क्स इज लेसर देन हम 80 कर देते, तब हमने लिखा हुआ इको बी ग्रेड। एल्स इफ डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड डॉलर मार्क्स इज लेसर देन 90 तो इको ए ग्रेड। ऐसे करके हमने सो ऑन कंडीशन हमने यहाँ पे लिखी है, ऐसे डॉलर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 19, डॉलर मार्क्स लेसर देन 100 उसमें मैंने लिखा ए प्लस है। अगर ये सारी कंडीशंस आपकी फेल हो जाती है तो लास्ट में एक हमने एल्स पार्ट और बना दिया है तो वो प्रिंट ये करते इनवैलिड इनपुट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब जो कंडीशन हमने दे रखी है
स्टेटमेंट से कोई भी चीज ट्रू नहीं होती है तो लास्ट में हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाए। और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमने ये चेक किया एग्जीक्यूशन पे, जब हमारा पीएचपी जब चलेगा तो हमारा ये दो कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है, थर्ड कंडीशन में हमारी ये चीज ट्रू हो जा रही है। बट ऑब्वियस सी बात है हमारा जो आउटपुट होगा इट विल शो अ बी। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट एंड लास्ट नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कंटेन्स द इफ ब्लॉक इनसाइड द अनदर इफ ब्लॉक। द इनर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन इन आउटर इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। दैट मींस कि हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो ब्लॉक के अंदर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर एक ब्लॉक बना हुआ है। अगर आपका इनर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपने आउटर स्टेटमेंट भी इफ कंडीशन का वो ट्रू हुआ। अगर वो ट्रू नहीं है तो इफ कंडीशन का ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ आई वांट इफ कंडीशन यू पीपल वांट्स टू टर्न इनटू ट्रू सो फर्स्ट स्टेटमेंट शुड बी फर्स्ट कंडीशन शुड बी ट्रू एंड then it will proceed to the second if condition. So here it is, I am depicting this if nested if statement with this flowchart. Here the condition, if it is true, if code part is will execute and it proceed to the next condition, and if it is the next condition is also true, then again if code and after. If it is false, so automatically the inner if condition get false. So proceed to our example. This is an example. This is a code PHP. Here I am assigning the age as a variable. Dollar age is equals to 23. यहाँ पर मैंने 23 इसको assign कर दिया. Dollar nationality है, मैंने उसमें लिखा हुआ है Indian. Double quotes में applying condition on a nationality and age. मैंने दो वेरिएबल्स असाइन किए, नेशनलिटी और एज। एज में मैंने 23 दे रखा है, नेशनलिटी में मैंने इंडियन दे रखा है। यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रही हूँ, इफ नेशनलिटी डॉलर नेशनलिटी इज इक्वल टू डबल कोट्स इंडियन। दैट मींस अगर डॉलर नेशनलिटी इज इक्वल टू इंडियन है, सही है, इफ डॉलर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो इको एलिजिबल टू गिव वोट्स। अगर कंडीशन आपकी सही है तो डॉलर एज अगर वो इंडियन भी है, एक तो ये कंडीशन हो गई, उसके अंदर इफ स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि यहाँ पे वो डॉलर एज इक्वल टू 18 है, वो आपकी सेकंड कंडीशन हो गई। अगर ये करेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये इफ स्टेटमेंट की तरफ प्रोसीड होगा और ये प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो एल्स पार्ट प्रिंट कर देगा। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट में हमने कहा है नॉट एलिजिबल टू गिव वोट, but here eligible to give vote will print it over here in which our condition is greater than, that means that 23 is already greater than equals to 18. So that's all about our if else, nested if else, if statement and simple if else if conditions। मेरे ख्याल से आप सब चीजों आप लोगों सबको समझ में आया होगा अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर न्यू टॉपिक इन अवर न्यू क्लास। थैंक यू।